क्या आपको भी पतंग उड़ाना पसंद है? मुझे तो है। तो फिर मेरी तरह आप भी ये दर्द महसूस कर सकते हैं। ये एक पक्षी जो मांझे में फंस के गिर पड़ा। अचानक मेरे सामने कबूतर पेड़ से गिर गया। उसके पास जाकर देखने पर पता चला कि वह पतंग के पक्के मांझों में लिपटा हुआ है। उसके विंग्स और उसके गर्दन पर मांझा का धागा लिपटा हुआ है। अब वह उड़ नहीं पा रहा है। उसको लेकर हम हमारे ऑफिस में ओपीडी में डॉक्टर गीता के पास गए, जिन्होंने बिना हिचकिचाए मदद की और उसके विंग्स पर लिपटा हुआ धागा निकाला। उसके बाद भी काफी देर तक ये पक्षी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में रहा। काफी देर बाद वह उड़ पाया। अब आप चाहे तो पतंग उड़ा सकते हैं, पर बींगे सिटीजन और एक जिम्मेदार नागरिक हम बस ये अपील करते हैं सब लोगों से कि रिसेंटली मैं बहुत सारे केस में देख चुका हूँ। मैं हरिद्वार में था, तब भी मैंने देखा एक पक्षी हमारे सामने गिरा, उसके पैरों में मांझा फंसा हुआ था। हमने उसकी मदद की, लेकिन शायद उसका काफी नुकसान हो गया था, वो उड़ ही नहीं पाया क्योंकि हम ट्रैवल में थे, हमें उसको वहीं छोड़ना पड़ा। आप चाहे तो पतंग उड़ा सकते हैं। आप पतंग उड़ाने के समय कच्चे मांझे का प्रयोग करें, क्योंकि वो धूप में और पानी में एक बार संपर्क में आने के बाद वो अपने आप गल के खत्म हो जाता है। लेकिन ये पक्का मांझा जिसपे कांच की परत चढ़ी होती है, ये सालों साल ऐसे ही रहता है। ये सिर्फ पक्षियों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी घातक है। ये चलते हुए, बाइक पे चलते हुए हमारे अपने किसी भाई बहन की जान ले चुके हैं, ऐसी न्यूज आप पहले भी सुन चुके होंगे। तो ज्यादा ना कहते हुए, आप समझदार हैं, अभी सीजन आने वाला है पतंग का। कोशिश करें कि आप ना यूज करें पक्का मांझा, कच्चा धागा से पतंग उड़ाएं, पतंग खुशी मनाएं। फिर से दोबारा कच्चा धागा। जय हिंद, जय भारत।